निकाल दिए थे, और यहाँ भाई सिस्टर आ चुकी है उनको ले जाने के लिए सर्जरी के लिए, और ये लेके जा रहे हैं अभी। और मैं मतलब ऑल दो मैं अपने अगर दिल लगवानी हो तो वो बता देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइज अभी बजे भाई सुबह के 5:30 में, और मम्मी निकल गए मम्मी की सर्जरी के लिए, क्योंकि हमें जल्दी एडमिट कराना था मम्मी को, और उसके बाद शायद 8:30 बजे सर्जरी स्टार्ट होगी। मम्मी की चल रही है फास्टिंग, क्योंकि रात को मम्मी ने कुछ खाया नहीं था। फास्टिंग होनी चाहिए ना सर्जरी के लिए, क्योंकि एनेस्थीसिया देंगे वो, उस वजह से। तो मम्मी भाई फुल ऑन एक्साइटेड है अपनी सर्जरी के लिए, है ना मम्मी? एक्साइटेड तो ना है, पर चलो ठीक है। तो अभी भाई निकलेंगे फटाफट, और पहले करवाना भाई भाई एडमिशन, फिर देखते हैं कैसा क्या रूम वूम क्या मिलता है, उसके बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से। मम्मी का एडमिशन फॉर्म वॉर्म सारी चीज़ें मिल गई हैं, अब जाना है रूम में। 8:30 बजे सर्जरी स्टार्ट होगी, 3 घंटे की बताइए, जिसमें कि अंदर रख भी रखेंगे वो और सर्जरी भी होगी, मतलब दोनों चीज़, एनेस्थीसिया देने के बाद और सर्जरी होने के बाद भी वो 1 घंटा अंदर रखते हैं वो, तो मिला के टोटल 3 घंटे लगेंगे। बाकी अभी रूम देखते हैं कैसा मिल रहा है। तो गाइस ये है अपना कुछ रूम, और मम्मी का ये भाई अभी चेंज करने के लिए, जो कि इन्होंने अपने कपड़े वगैरह दिए थे उसके लिए। ये बेड है मम्मी का, ये बेड है मेरा, ये कोई गेस्ट आएगा उसके लिए टीवी वगैरह है, वाईफाई वगैरह के लिए वो बोल के गए मेरे को कि अगर वाईफाई चाहिए तो भाई कॉल वॉल कर देना, ये सारी सर्विसेज है उसके साथ भाई। ये है, ये बढ़िया चीज़ है, ये अपने काम की चीज़ है जो मेरे काम आएगी। और इसमें पता नहीं भाई क्या है, मैं सोच रहा हूँ इसमें कभी कुछ वैसा हो, गिफ्ट विफ्ट हो मारनी है खाली है यार ये तो, मैं सोच रहा गिफ्ट विफ्ट हो। चलो मम्मी चेंज करके आती है अभी, फिर मम्मी से मिलवाते हैं, और इतने भाई अपने यहाँ मौज मारते हैं। मैंने बना ली भाई अपनी चाय, क्योंकि अभी है सर्जरी में टाइम, अभी बजे है 7:30 और मम्मी की है 8:30 बजे सर्जरी। मम्मी हो चुकी है अपनी भाई फुल ऑन रेडी, जैसा कि आपको देख ही रहा हो भाई, अपने कपड़े कुपड़े ड्रेस ड्रोस पहन के चेंज चूंज करके रेडी है, आपको लेके जाएंगे भाई मम्मी 3 घंटे के लिए। 1 घंटा शायद पहले, आधा घंटा रखेंगे बाहर जहाँ पे एनेस्थीसिया देंगे, उसके बाद 1-1.5 घंटे की सर्जरी है, उसके बाद आधा घंटा फिर से वहीं रखेंगे, उसके बाद यहाँ भेजेंगे, ठीक है? और भाई नेबुलाइज़र दिया भी मम्मी को, क्योंकि ना मम्मी को थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा था, कि भाई नाक में ना थोड़ा सा कोल्ड कोल्ड सा लग रहा था, तो ऑक्सीजन नाक से ही और मुंह से ही लेनी है आपको, तो इसलिए मम्मी को नेबुलाइज़र दे दिया ताकि अभी ठीक रहे थोड़ी देर, है ना? ठीक है। चलो मारो मुझ, चाय कॉफ़ी लोगे कुछ? ना बंद है। अरे बता दो मैं ले लूँगा, आप मतलब हाँ तो आपको कुछ भी नहीं पीना ना, अब सर्जरी नहीं आएगी, 6 घंटे की फास्टिंग चाहिए, ठीक है? भाई इन्होंने ना एक चीज़ गलत कर रखी है, देखो इधर की साइड इसका फेस कर रखा है बेड का, होना अरे पेशेंट के आमने सामने होना इधर चाहिए ना, मैं टीवी कैसे देखूंगा, टीवी तो मैं देख ही नहीं सकता। बताओ गैप तो हो गया, पर फिर भी चलो कोई नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सिस्टर कर रही थी भाई मम्मी का नेल पेंट रिमूव, क्योंकि सिस्टर बोल रही थी कि अगर ब्लड फ्लो या कुछ भी कम होता है तो वो हमें नेल से ही पता चलता है, तो नेल पेंट नहीं लगी होनी चाहिए, बॉडी पे कोई भी आपकी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे मम्मी ने कानों वानों का और बैंगल्स वगैरह गोल्ड के अपने सब निकाल दिए थे, और यहाँ भाई सिस्टर आ चुकी है उनको ले जाने के लिए सर्जरी के लिए, और ये लेके जा रहे हैं अभी। और मैं मतलब ऑल दो मैं अपने लिए नहीं करता, पर यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ठीक है आराम से करा लेना, फिर मैं यहीं बाहर ही मिलूँगा। तो वैसे अभी लेके भाई मम्मी को ओटी में, अब होगी मम्मी की सर्जरी। ऑल द मम्मी भाई बिल्कुल कूल है, मम्मी वैसे इतनी टेंशन लेती नहीं है, बट मेरे को हो रही थी तो हो जाती है यार, क्या करें। मतलब मैं ना थोड़ा सा इन चीज़ों में वो हूँ कि मेरे को होती है तो मेरे को 1% भी इशू नहीं आता है, मेरी फैमिली में होती है ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब ये है कि अंदर से ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली सब लोग मेरी सिचुएशन समझ रहे होंगे कि मैं मतलब थोड़ा सा इमोशनल हूँ चीज़ों को लेके, इस वजह से। बाकी होपफुली सब अच्छे से होगा, आप सबका प्यार है भाई, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, इंस्टा पे भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप सबका प्यार है भाई, अच्छे से सर्जरी हो जाएगी, मम्मी आ जाएगी, फिर मिलवाऊंगा आप लोगों से। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मेरे को लग रही भाई भूख बहुत तेज़, क्योंकि सुबह 5:30 बजे का उठाऊँ कुछ खाया नहीं अभी तक, इस वजह से। तो गाइस अभी ना मैं वॉशरूम गया, मैंने देखा भाई वॉशरूम में भी मतलब तगड़ी चीज़ है। एक तो पता नहीं भाई ये दिया हुआ है किस चीज़ के लिए, ये भाई पता नहीं शावर के लिए ऐसा कुछ, भाई दोनों जगह पे दिया हुआ है, जिस भाई को पता हो ना मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ये किस चीज़ के लिए है। और यहाँ पे भाई हमें मिलते हैं, यहाँ पे भी ग्लास पानी के बॉटल में बाहर ले गया था, ये शावर कैप डेंटल क्लिनिक कॉम्बो, कॉम और कॉम्बो दोनों,
और इसमें भाई बॉडी मॉइस्चराइज़र। तो भाई जैसे पैसे वैसी फैसिलिटी, हमारा बेड हो गया खाली, मम्मी की चप्पल रह गई बस, मम्मी गई बाहर। मैंने भी भाई चाय बनाई थी अपनी स्पेशली, और चाय पी है क्योंकि भाई मन था। तो मैंने इनका यहाँ पे ना मसाला टी का वो रखा था, तो मैंने कि भाई यही बनाते हैं यही पीते हैं। अब बुलाऊंगा भाई एक बार मैं हाउसकीपिंग को या फिर रूम सर्विस को, जो भी भाई मेरा टीवी चला के जाएगा, क्योंकि मैं हो जाऊंगा बोर इतने, अपना टीवी भी सेट करेंगे इतने। तो ऐसे आ गया मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में भाई सब्ज़ी, एक रोटी और भाई ये मसाला चाज। अभी भाई यहाँ पे और कुछ था नहीं खाने को, सिर्फ यही अवेलेबल था, तो मैंने कि भाई फटाफट ये खाते हैं, क्योंकि मम्मी कभी भी रूम में आ सकती है, तो अपना फटाफट खा के फिर ऊपर चलते हैं। मम्मी होगी सर्जरी पूरी कंप्लीट आ गई। अभी मम्मी को पानी वानी दे नहीं सकते क्योंकि 4 घंटे का एक गैप, और 4 घंटे बाद पानी देंगे। अभी वैसे ठीक हो ना, दर्द वर्द तो नहीं बिल्कुल भी? हो ठीक है। तो बोलना बोलना अभी मम्मी के लिए कर रखा है मना। अब होगी भाई घर जाने की तैयारी। अलका, पापा, ये भैया, ये बड़ी मम्मी। चल भाई ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब फिर मैं आ जाऊँगा 2-3 घंटे बाद। ये तो मम्मी लिक्विड, हाँ लिक्विड विक्विड दे देते मम्मी को, ठीक है? तू मत पी लियो जो मम्मी का है, कहीं सोचे फ्री का मैं भी ले लूँ, ठीक है? ना तो गाइस अभी मैं निकल गया हूँ, और मेरे साथ है भाई नीतू और काबू। परी को छोड़ दिया उसकी मासी के घर पे, क्योंकि अभी नीतू को जाना था मम्मी से मिलने के लिए, तो मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं आया था। मैंने अपनी गाड़ी भाई हॉस्पिटल में छोड़ दी थी, क्योंकि यार वहाँ पे ना थोड़ा सा पार्किंग का इशू आ जाता है, और फिर ना बाहर की साइड पार्किंग नहीं मिलती है, मतलब हॉस्पिटल के बिल्कुल गेट के वहाँ पे। तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। सुबह भाई आए थे, निखिल भाई उनके साथ आ गया था। अभी फिर भाई मैंने कैब से चलते हैं, बेटर है कि यार, क्योंकि वहाँ भाई ट्रैफिक बहुत एक्सट्रीम मिलता। हाँ भाई दादी से मिलने जा रहा है, हैं दादी से मिलने जा रहा है, और तेरी मम्मा बाहर ही बाहर देख रही है। बाहर क्यों देख रही है ये मैं बताऊं? मुझे लगा व्लॉग इसकी बाहर इसलिए देख रही है, कैमरे में ना दिखाऊं, ये अभी सोके उठ गया ही नहीं इस वजह से। आपने सोके उठा? मेरा तो एवरग्रीन फेस है, मेरा एवरग्रीन फेस। चलो भाई जब सीधा भाई मिलेंगे। ओहो पूरी ग्रीनरी का नजारा ले रही हो है भाई माता श्री। पेन है अभी नहीं है? ठीक है देखे गए सूप वूप अभी देखे गए पहली बारी नहीं है ना पेन बिल्कुल भी अभी? अगर दिल लगवानी हो तो वो बता देना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सूप ही तो है ये, सूप में थोड़ी कुछ होएगा। इस बताओ इस टिंडा ने ऊपर ना आने दे रहा था, ये बोला इसको नहीं जाने देंगे। मैंने कहा अच्छा फिर इसकी परमिशन अलग तो ली है, जब भेजो यो अगर इसने ना आने दे रहा था ऊपर, इसकी परमिशन ली है इसकी अलग है। हाँ मैंने की वो बोलो गार्ड कहना एक काम। रेस्टोरेंट पे बानी स्क्वायर में, क्योंकि भाई अलका को खाना था, खाना इसको लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, क्योंकि ये सुबह कुछ खा के नहीं थी। दिन में कह रही मम्मी का जो आया था उपमा वो इसने ही खा लिया था। तू ही तो बता रही थी कि अभी तू नहीं खा लिया था सुबह पूरा, तो खाऊंगी मैं पेशेंट का खा गई तू मम्मी के लिए कुछ नहीं छोड़ा तूने ठीक। हाँ तो कोई ना, तो अभी ये कह रही कि इसको भाई प्रॉपरली खाना खाना है, मैं कहीं और भी ले गया था, तो ये बोली कि नहीं मेरे को तो भाई पंजाब का तड़का ले गया, चल मेरे को प्रॉपरली खाना खाना है। मैंने कि ठीक है हम 100 मीटर आए होंगे, 100 मीटर के लिए भी ऑटो करके आए हम इसकी वजह से, वरना हम पैदल आ रहे थे अच्छे भले। तू रहने दे चलती तो है नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रखा तूने, जो जो भी खाना तू मंगा ले अपने, जो तेरे को ऑर्डर करना है। तो ठीक है आप करो रेस्ट, हम जा रहे घर, और फिर मैं रात को आऊँगा ठीक है? मतलब वैसे तो रात ही हो रही बार, पर मेरे को एक दो काम है अपने, काम निपटा के फिर आऊँगा, इसके कपड़े ले आऊँगा, ये रुक जाएगी आज यहीं पर रुक रही रात को। हाँ चल भाई टिंडी की माँ, टिंडी छोटी टिंडी बड़ी टिंडी, चलो ठीक है ध्यान रखना। अब 8:30-9 बजे करीब आपका वो आएगा डिनर, तो वो अपने आराम से करके फिर पेन किलर लगवा लेना।